हमारी आबादी बहुत अधिक है, 18% है। 18% निषाद हैं, मछुआरों का नेतृत्व करते हैं। अति पिछड़ी जातियों जितना के दलितों के साथ हमारे मंत्री जी आए हुए हैं, असीम अरोड़ जी, और ये आज के दिन में इनकी व्यवस्था रही है कि थाने में पहले जाते थे तो सब अपमानित होकर आते थे, चाहे कोई जात होता था, लेकिन आज इन्होंने कैमरा लगवा दिया हर थाने में। अब सारे लोग सम्मान सहित पूजे जाते हैं। हमारी सरकार 80 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं, 80 करोड़ लोग खाना खा रहे हैं। वो जो खाना खा रहा है वो कमल खुला रहा है, कमल फोन भोजन दे रहा है तो कमल को खिला रहे हैं, उनका इलाज करा रहे हैं, उनका मकान दे रहे हैं, देश को विकसित कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था में हम 5वें नंबर पर आ गए। तो आज के दिन में वो जो सोना ब्रिटेन में गिरवी रखा जाता था पिछली सरकारों में, आज ब्रिटेन हमारे यहाँ सोना गिरवी रख रहा है, तो बहुत बड़ी बात है। भारत फिर विश्वगुरु बन रहा है, ये राष्ट्र का चुनाव है, देश का चुनाव है। यहाँ ये पहले तलवार वाले त्यौहार मनाते थे, अब जो है व्यवहार वाले त्यौहार मनाते हैं। तो तलवार वाले समझ रहे हैं कि जिसकी पिछली सरकारों में तलवार के साथ जो है त्यौहार मनता था, अब मोदी आ गए, योगी आ गए, तो व्यवहार के साथ सब धर्म के लोग अपना काम करो। आज राम मंदिर बन गया, निषाद राज किला बन रहा है, इनके लिए योजनाएं हैं। हमारे निषादों पर डाका डालते रहे, वोट भगवा पिला के भगवा भर वोट लेते रहे, अभी पार्टी बना ली है निषाद पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के साथ है। एनडीए गठबंधन 140 सीटें भी नहीं जीत पाएगा। हम उन्हें बधाई देते हैं, अखिलेश जी को और राहुल जी को, कि जो कहते हैं उसे उल्टा ही होता है 2014 से लेके अब तक, और हम जो कहते हैं मोदी गारंटी होता है और आगे भी होगा। संकल्प बोल रहे हैं कि अगर ईवीएम ठीक रही तो बीजेपी सत्ता से बाहर होगी। बहन जी को मैं बधाई दूंगा, कम से कम जीतती हैं तो नहीं कहती हैं ईवीएम खराब है, और जब हार जाती हैं तो ईवीएम का ठिकरा फोड़। 5 किलो राशन को लेकर विपक्ष घेर रहा था, आज 10 किलो राशन की बात कर रहा है। कह रहा कि काहे दे रहा है, हम कह रहे पहले क्यों नहीं दिया, यही अनाज गोदामों में सड़ रहा, गरीब भूखों मर रहा। अब गरीब जाग गए हैं, अब सपा बसपा कांग्रेस मर रही है।